हमारे बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, अररिया के पूर्व सांसद मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे जनाब सरफराज आलम साहब मंचासीन है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके सम्मान के लिए। और हमारे बीच रानीगंज विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी अविनाश मंगलम, जो कि शिक्षक थे, इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, वो भी हमारे बीच मौजूद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे पास समय कम है, मैं चाहता हूं कि कुछ ही लोगों को बुलाऊं और मुशायरे को शुरू भी करना है। मौसम साथ देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि जनाबे हसन रजा साहब आप मंच पर आए और सिप्टन अहमद, ये सॉरी साफिल होता साहब, आप बुके देकर सम्मानित करें। बड़े भाई मासूम रजा साहब आप मंच पर आए और मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो पूरे टीम है उनके हाथों द्वारा इनको सम्मानित करें। अब मैं 2 मिनट के लिए पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम साहब को, अनूप सर को और सिप्टन सर को मंच पर बुलाना चाहूंगा, अविनाश मंगलम को, कि हम कमेटी के द्वारा एक गाफिल साहब के यादगार में शील्ड देना चाहते हैं। आप सामूहिक शील्ड दें हमारे कमेटी के द्वारा। आप लोग मंच पर आ जाएं, उनके साहबजादे मामून रशीद और अमानुर रशीद आप मंच पर आ जाएं। अमीनुर रशीद जल्दी से आ जाए भाई, एक यादगार लम्हा, यादगार पल रजोखर के ऐतिहासिक मिट्टी से पूरे बिहार में कल कवरेज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से। ये भाई मासूम रजा साहब की तरफ से दिया जा रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। मामून रशीद साहब, अमानुर रशीद साहब, आज आप दोनों आगे आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, सर आप आगे आ जाए, जोरदार ताली बजाएं। जिसके याद में कार्यक्रम कराया जा रहा है उनके साहबजादे को ये पुरस्कार हमारे युवा शक्ति संगठन की तरफ से दिया जा रहा है और इसके स्पॉन्सरशिप जनाब हाजी मासूम रजा साहब है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब हम बुलाना चाहेंगे, मैं सबसे पहले युवा समिति रजोखर के नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक अजीम शख्सियत के यादगार में आप जो किए हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि समय बहुत कम है। गाफिल साहब के बारे में कहना मेरे समझ से सूरज को दिया दिखाना बराबर है। गाफिल साहब सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सीमांचल के वो साहित्यकार थे जिसके बारे में मैं कहूं, अररिया के नौजवान कहे या और खेत खलियान में काम करने वाले किसान कहे। मुझे उस दिन याद आता है 1982 जब मैं मिडिल स्कूल का तालिब इल्म था, तो पहला उन्होंने कुलहिया बिरादरी के अंदर में एक अपना स्लोगन दिया था और वो स्लोगन पूरे हिंदुस्तान में एक यादगार लम्हा के तरह रहा। आज गाफिल साहब को याद करते हैं, गाफिल साहब का सोच था इल्म, जिस इल्म के बुनियाद पे गाफिल साहब ने एक जंग छेड़ी थी। अगर आप गाफिल साहब को याद करना चाहते हैं तो दोस्तों जो छोड़ के गए हैं उसको पुनः याद करना होगा इल्म में। खास करके मैं मकतब के उस साथियों को, जब वो मस्जिद में जाते थे अपने इमाम के लोगों को कहा करते थे कि मकतब में बच्चे को पढ़ाया कीजिए। आज गाफिल साहब के जाने से अररिया ही नहीं सीमांचल बेघर हो चुका है। मैं डीएम साहब के साथ भी उसके साथ में बैठते थे। आज इस पर था 26 जनवरी 15 अगस्त के अंदर में लोग खोजते थे कि कहां है गाफिल, और वाकई में वह गाफिल थे, हम सबों को छोड़ के चले गए। मैं दोस्तों इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं आप सबों से, गाफिल साहब वो अपने इलाके के थे, कुलहिया बिरादरी के थे, मगर मैं समझता हूं कि वो हर बिरादरी के दुलारा थे, हर बिरादरी के चाहने वाले थे। इसलिए अररिया में एक से एक शख्सियत इंतकाल के इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा रेला कभी नहीं देखा।
वो एक छोटा सा परिवार का था। हर आदमी को दो चीज गाफिल साहब छोड़ के गए, एक तो इल्म, दूसरा नशा। नौजवानों से इस मंच से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जिस दौर के अंदर में जिस तरह जा रहे हैं, गाफिल साहब को अगर वाक्य में याद करते हैं तो मैं आपके युवा शक्ति के माध्यम से, युवा समिति के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप नशा को छोड़ दें। नौजवान न जाने नशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप, क्योंकि मैं खेल से जुड़ा हुआ हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं देखता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं अपने छोटे भाई को मोहतसीम साहब को और उनके साले साहेबजादे सफील होदा साहब को, दिलावर साहब को और कलाम साहब को और उनकी पूरी टीम को कि आपने जो प्रोग्राम किया है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि गाफिल साहब के नाम से हर साल कीजिए और हर समय कीजिए और जो भी होगा हम लोग इंशाअल्लाह मदद करेंगे। इन्हीं चंद साहब बात, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।